जी रात के 11 बज गए हैं और सब लोग हम में से मतलब बच्चे तो सब सो गए हैं और हम जग रहे हैं चारों बहन भाई और मम्मी। और अभी मैं आई हूँ पानी के लेने के लिए और सही बताऊँ तो नींद आ रही है, पर ये बातें कर रहे हैं ना तो सोने का मन नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने दवाई ली हुई है, दवाइयों से नींद आती है लेकिन सोने का मन नहीं है। ऐसे ही होता है शायद सभी घरों में, जब बहन भाई सब लोग परिवार में इकट्ठा होते हैं तो सबको मतलब किसी को नींद नहीं आती घर में, है ना, मतलब ये एक कॉम्पिटिशन होता है, जो सोएगा ना उसके मुँह पर पानी डाल दिया जाएगा। तो अभी तो मुझे नहीं लगता ये लोग सोएंगे और इसीलिए मैं इन सब के लिए कुछ मीठा लेके जा रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, मैं इनके लिए रसगुल्ले लेके जा रही हूँ जिससे इनको मेरी भी नींद भाग जाए और इनकी भाग जाए। ज़्यादा डाल दिए क्या है कि एक बार मैं पहले लेके जा चुकी और फिर अर्जुन ने कहा कम लेकर आई है तो मैं फिर से लेके जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी नींद भगाए कीजिए ऐसे, और अपने अपने घर जाते हैं तो ये साथ में रसगुल्ले का डब्बा या फिर आइसक्रीम या फिर कुछ और मीठा चॉकलेट वगैरह या कॉफ़ी, इन सब से नींद भाग जाती है। और सबसे लास्ट ऑप्शन देसी ऑप्शन चाय, ठीक है, इससे नींद भाग जाएगी और आप काफ़ी देर तक अपने परिवार से बातें कर पाएंगे। पानी तो रह गया, चलते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में सामान गिरा दिया, बच गया, अभी गिर जाता डब्बा। तो चलिए मैं चलती हूँ, पहले मैं ही खा लेती हूँ। मुझे सुनने को मिल रहा है कि शायद हमें लगा तू रसगुल्ले बनाने लग गई और पानी लाना ही भूल गई। तो चलिए जी सुबह मिलते हैं। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का वक्त बिल्कुल नहीं है, बज रहे हैं लगभग 11:30 होने वाले हैं, क्योंकि 11:15 हो चुके हैं तो 10 मिनट बाद वो भी हो ही जाएंगे। और बाकी तो काम हो गया, मैंने खाना वाना ब्रश वगैरह सब कुछ हो लिया, बस नहाना नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि मेरा यहाँ आके मेरा मन ही नहीं करता। बच्चे भी नहा लिए हैं, काम भी सारा हो गया है। और पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं अभी बैठे बैठे कैमरे में यही देख रही थी कि देखो मेरा मुंह कितना बेकार सा हो गया है ना, क्योंकि असली चेहरा तभी पता लगता है जब हम मायके में आ जाते हैं, जब हमारा असली खूबसूरत चेहरा है वो तभी बाहर आता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज मुल्तानी मिट्टी क्यों ना लगा लूँ, लेकिन उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुल्तानी मिट्टी तो भिगोनी पड़ेगी, फिर उसके लिए थोड़ी देर वेट भी करना पड़ेगा, वो घुलेगी मिलेगी, फिर उसके बाद उसमें कोई नींबू वगैरह गुलाब जल वगैरह डाल के और फिर मुल्तानी मिट्टी लगाऊं। मतलब मन तो मेरा ऐसा कर रहा है लेकिन आलस के मारे मुल्तानी मिट्टी तक ही नहीं पहुंचा जा रहा, नहीं, लेकिन आज मुल्तानी मिट्टी तो मुझे लगानी है। और जैसे ही मैंने भिगोई तो मेरे आजू बाजू के जो मेरे बहन भाई है वो, हाँ बेटा, हाँ, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जो छोटा बच्चा साथ होता है ना, ये मेरे को सब, मैं नहा भी लेती ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे को नहाने जाने नहीं दे रहा, मेरे घुटने पे देखो इसका मन नहीं लग रहा, खेल लेता है थोड़ी बहुत देर फिर वापस इसको मम्मी आ जाती है। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना वो छोड़ते नहीं है बिल्कुल, मम्मी का नहीं छोड़ते कि मम्मी मम्मी मम्मी। और जब मेरे को मौका मिला तब मैं गई नहीं, अब मैं एक तो आलस में भर चुकी हूँ। कोई गुड़िया का बाल लग रहा है मेरे को, तो पता नहीं क्या है,
वो टेडी बियर का बाल हो सकता है शायद, तो जी चलिए फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा साहस करके मैं वो मुल्तानी मिट्टी भिगो लेती हूँ, फिर अपनी खूबसूरती को निहारूंगी मुल्तानी लगा के। मुल्तानी लगाने के बाद है ना, जब वो मुल्तानी लगी होती है सूख जाती ना, गीली मुल्तानी में भी चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद को कितने गोरे नज़र आते हैं। और मुल्तानी लगाने के बाद और जब वो चेहरा सूख जाता है और धोने के बाद इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या पता तब तक सोहम मिस हो जाए, नहीं लेकिन कोई नहीं, इसको मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ, इसको खेलने के लिए छोड़ती हूँ उस रूम में, ताकि ये मैं इसको दिखाई ना दूँ। और तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ और वो भिगो के आ जाती हूँ मुल्तानी मिट्टी। बस ज़्यादा दूर नहीं रखी है, पेड़े में ही रखी हुई है लेकिन मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सांस करती हूँ, फ्रिज में से नींबू लेती हूँ और गुलाब जल लेती हूँ, सबको भिगोती हूँ। और आपका भी चेहरा अगर निखारना चाह रहे हो तो आप भी ये देसी नुस्खा अपना लो अपने 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 घर में कौन ये ट्राई करता है बताना मुझे। अब तो मैंने ट्राई करना वो बंद कर रखा है, ये चेहरे पे एक दिन ऐसे कपल आए तो मर लिया मुल्तानी मिट्टी, लेकिन मैंने लगाई नहीं, एक बार लगाई थी शायद, लेकिन बोरिंग काम लगा मुझे। पर यहाँ खुद की संगत के दो तीन लोग और मिल जाते ना तो फिर अच्छा लगता है कि ये लोग भी तो लगा रहे हैं, अब मैं भी भिगोऊंगी ना तो वो सब लोग भी लगाएंगे, फिर मुझे और ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा। और कुछ और लगाने के बाद सोचेंगे उसके बारे में, खीरा भी लगा सकते हैं हम, है ना। क्या यीशु भाई को कैसे बोल रहे हो, और आपके पास कोई आइडिया तो बताना, और क्या चेहरे पे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं जाऊँ ना तब ये झाइयाँ ख़त्म करके जाऊँगी कुछ ऐसा बताना। ठीक है, आलू का बताया था मुझे किसी ने, आया था कमेंट या नाम मैं भूल गई, यस्सु मैं पिटाई कर दूंगी, यस्सु मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, अभी मैं गुस्से में नहीं आना चाहती, ऐसे मुस्कुराते रहो तो जी ठीक है, और नहीं पकाती आपको, मिलते हैं हम शाम को, उस समय तक तो मैं मतलब मेरी त्वचा में काफ़ी निखार आ चुका होगा, फिर बताना कितना निखार आया है। और आपके पास कोई ऐसी यूज़फुल ट्रिक हो जिससे कि जल्दी से जल्दी चेहरा निखर सके, ठीक है, तो मेरे को बताइएगा, मैं आज ही उसको, आज तो मैंने मुल्तानी लगानी है, कल उसको जरूर ट्राई करूँगी या फिर रात को भी कर सकती हूँ। बाय, राम राम।